ये चार आलू लिए हैं मैंने उबले हुए, तो ये मैंने छील लिए हैं, और ये दो खीरा और हरी मिर्च और ये हरा धनिया, तो मैं इसको छील लूंगी अभी। अब मैं इसमें डालूंगी ये खीरा कटा हुआ, ये दूसरे खीरे को भी मैं ऐसे कट कर लूंगी। और ये आलू है उबले हुए, तो वो भी मैं इसमें कट कर लूंगी छोटे छोटे। उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने पहले ही छील लिया था। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आपके सागर में उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हो। उबलने के बाद आलू क्या है, वेट नहीं बढ़ाते हैं। और ये तीन हरी मिर्चें हैं, ये इनको मैं छोटा छोटा कट कर लूंगी। वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हो तो और डाल सकते हो, अगर कम तीखा खाते हो तो कम डाल सकते हो। हरा धनिया जो मैंने वॉश कर लिया है, ये मैं पूरी डंडिया साइज दे रही हूँ, ये छोटा छोटा कट कर लेंगे इसको भी हम। अब मैं इसको भी मिला लूंगी इसमें। अब चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं इसको। अगर आप सेंधा नमक खा रहे हो, नमक के साथ व्रत रख रहे हो, तो आप नमक डाल सकते हो। मैंने बिना नमक के व्रत रख रही हूँ, तो मैं सेंधा नमक भी नहीं लूंगी, तो मैं नमक नहीं डालने वाली हूँ। अगर आप सेंधा नमक खाते हो तो आप इसमें डाल सकते हो। इसमें अब मैं दही ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। और इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, तो मैं थोड़ी सी ज्यादा डालूंगी, तो ये और इसको अच्छे से मिला लूंगी मैं। आप चाहे सेंधा नमक भी मिला सकते हो, मैं सेंधा नमक नहीं मिला रही हूँ, तो ये और ये देखिए व्रत में खाने के लिए सागर तैयार हो गया है। ये बहुत यम्मी लगता है सीरियसली गाइस, और इससे वेट भी काफी अच्छे से लॉस होता है, गेन नहीं होता है, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। ये मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है व्रत में खाने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट शेयर करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये बहुत ही आसान तरीके से और मेहनत भी नहीं लगेगी, तो ये मेरी रेसिपी है। Thank you for watching. Bye.